नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। विपक्षी गठबंधन इंडिया में साफ दरारें दिखाई देने लगी हैं। जिस तरह गठबंधन के घटक दल आपस में जोड़ तोड़ पर आमादा हैं, उससे भविष्य की तस्वीर बिल्कुल धुंधली है। पंजाब और बंगाल में हलचल तेज है। यहां इंडिया के सहयोगी दलों की सरकारें हैं। कांग्रेस की पंजाब में आम आदमी पार्टी तो बंगाल में टीएमसी से ठनी हुई है। 2024 में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद ध्वस्त होते दिखाई देने लगे हैं। इंडिया के घटक एक दूसरे पर हमलावर हैं। पंजाब के विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। बाजवा के बयान के जवाब में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को उनकी आलोचना की। मान ने कहा, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा को विफल कर दिया, यही कारण है कि वो ऐसा बोल रहे हैं। उधर बंगाल में भी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में ठन गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में डेंगू के कोहराम के लिए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दीदी की देन है। 2024 में विपक्ष के एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद हवा हवाई दिखने लगे हैं। कांग्रेस बेहद आक्रामक नजर आ रही है। पंजाब और बंगाल में इंडिया के घटक दलों पर पार्टी सीधे अटैक करने में जुटी हुई है। इसकी वानगी मंगलवार को साफ दिखाई दी। पहले पंजाब का रुख करते हैं। यहां विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पास 18 सीटें हैं। 32 आप विधायकों के समर्थन से उनकी पार्टी सत्तारूढ़ सरकार को उखाड़ फेंक सकती है। मुख्यमंत्री मान ने बाजवा के दावों का जवाब अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके दिया है। सीएम ने लिखा, आप पंजाब के लोगों की चुनी हुई सरकार तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि कांग्रेस ने आपके मुख्यमंत्री बनने की इच्छा की भ्रूण हत्या कर दी थी। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, आपकी तरह कुर्सी के लिए तिकड़मबाज नहीं। सीएम मान ने प्रताप बाजवा को चुनौती दी, कहा कि अगर हिम्मत है तो हाईकमान के साथ बात करो। साल 2022 में आपने विधानसभा चुनाव में 117 में से 92 सीटें जीतकर जीत हासिल की थी। अब आपको ले चलते हैं बंगाल में। यहां कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर धावा बोला। उन्होंने राज्य में डेंगू के कहर का ठीकरा ममता दीदी के ऊपर फोड़ डाला। मुर्शिदाबाद से सांसद चौधरी ने आरोप लगाया कि ये डेंगू ममता मेड डेंगू है, ये सरकार स्पॉन्सर्ड है। उन्होंने निशाना साधते हुए आगे कहा कि बंगाल के लोग भगवान भरोसे हैं। गांव के अस्पतालों में डेंगू से कई लोगों की जान जा चुकी है। डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया है, इसकी जिम्मेदारी ममता सरकार को लेनी पड़ेगी। ये अटैक तब हो रहे हैं जब इंडिया गठबंधन की पिछली बैठकों में ऐसा नहीं करने की कसमें खाई जा चुकी हैं। वहीं आगे सीट बंटवारे पर सहमति बननी है। तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को धूल चटाने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। हालांकि इनमें ऐसे भी दल शामिल हैं जिनकी आपस में ही खटपट रही है। जिस तरह से ये दल आपस में भिड़े हुए हैं, इससे गठबंधन की सीमाएं और कमजोरियां साफ दिखाई देने लगी हैं। अभी इनमें आपस में सीट बंटवारा भी नहीं हुआ है, इतने फसाद हैं, इस पर सहमति कैसे बनेगी और सवाल बहुत मुश्किल और पेचीदा बन गया है। तो इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता राजेश सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत राजेश जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव जयकरण वर्मा जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता रमेश प्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है राम प्रकाश पांडे जी। राजेश सिंह जी, मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत शायद है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से
विपक्षी गठबंधन में अब लगातार विवाद बढ़ रहा है, दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। 2024 से पहले आप तो बेहद प्रफुल्लित हो रहे होंगे। नहीं देखिए रिशु जी, हम लोग तो पहले से ही कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है रिशु जी? जी आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी देखिए रिशु जी भाई, कह रही कैसे निभे बेर केर के संग वे डोलत रसा पुल उनके फाटे पर। जी तो जब दो विपरीत विचारधारा आपस में जब मिलते हैं तो उनका अलग होना तो पहले से तय रहता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो स्वार्थ का मिलन है। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम राष्ट्र को बहुत आगे ले जा रहे हैं या उसके लिए मैं मिल रहा हूँ कि राष्ट्र में कुछ करना है या विकास के लिए कुछ करना है या देश को आगे बढ़ाना है, विकासशील से हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, ऐसा कुछ सोच इन लोगों की थी नहीं। इनकी सोच तो शुरू से ही थी कि अपने अपने परिवार के कुनबे को बचाना है और उस परिवार के कुनबे को बचाने के लिए, और इन लोगों ने जो यूपीए बना करके भ्रष्टाचार किया था तो आप उस कंपनी का नाम बदल करके ये इंडिया रख दिए और इसमें क्या है, अपने कुनबे को बचाना, परिवार को बचाना, अपने भ्रष्टाचार को छुपाना। तो जनता की गाड़ी कमाई को इन्होंने भ्रष्टाचार करके अपने जेबों में रखा था, तो उसको कैसे हम सेव करें, मोदी जी से कैसे बचे हम, तो उसके लिए तो गठबंधन था। तो जहाँ पे गठबंधन त्याग की भावना से नहीं किया जाता है तो उसका अलग होना पहले से सुनिश्चित होता है। और रिशु जी आप देखिएगा, अभी तो केवल आप जो है बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी की बात कर रही है, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात हो रही है, अभी इतना ही नहीं है। आप देखिएगा अभी नीतीश कुमार आरजेडी और जेडीओ में देखिएगा अभी क्या होने वाला है। अभी आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, अभी तो बड़ा खामंडल मचने वाला है। चलिए आगे आगे होता है क्या ये हम जरूर देखेंगे और उस वक्त आपको भी बुलाएंगे और बाकी जो विपक्षी दल बैठे हैं उनको भी यहाँ पर बुलाएंगे। लेकिन जयकरण वर्मा जी, जैसा कि अभी राजेश सिंह जी ने कहा कि ये जो मिलन है, दरअसल ये मिलन सिर्फ स्वार्थ का मिलन है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए राजेश सिंह की मजबूरी है कि कुछ बात करना और तोड़ मरोड़ करना, खरीद फरोख्त करना इनका स्वभाव हो गया है, इनका चाल और चरित्र हो गया। क्या किसी हमारे गठबंधन के मुखिया ने ये कहा कि हम पंजाब में के कारण हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, कि किसी ने कहा कि हम बंगाल में ऐसे बयान के कारण हम गठबंधन तोड़ रहे हैं या हम गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं बनने जा रहे? देखिए अनाप शनाप बात करके भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से जयकरण जी आपके कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा वो दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक उनके संपर्क में हैं, इसका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ रेशु जी, हमारा गठबंधन, बार बार मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारा गठबंधन क्या विधानसभा के लिए है या हमारा 2024 के लिए है? आप लेकिन सर एक बात बताइए ना, जब आप विधानसभा में एकजुट नहीं होंगे तो लोकसभा में किस तरीके से एकजुट होंगे? जब आप ये पूछेंगे, ये आप ये भी पूछ सकती हैं कि 10 साल पहले आप लोग एकजुट नहीं थे, पिछले चुनाव में पहले नहीं थे, ठीक है, पहले नहीं थे ठीक थे। जयकरण जी चिल्लाने से थोड़ी ना कुछ होता है, आराम से बात करिए, आराम से जवाब दीजिए। आप बोलिए मैं सुन लेता हूँ। आपने कहा कि ऐसा विवाद कहाँ आ रहा है, आपने कहा, मैंने तो आप ही की बात का जवाब दिया सर, आपने कहा ऐसा विवाद कहाँ आ रहा है, मैंने तो सिंपल सा आपका, मैंने सिंपल सी आप ही की बात का जवाब दिया है कि कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने क्यों फिर ये दावा किया है कि आपके 32 विधायक हमारे संपर्क में हैं? राजेश जी की बात सुनवाइए, शायद भारतीय जनता पार्टी की बात और आपकी बात ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी के सवाल कोई एंकर करने लगे तो हमारे जैसे लोगों को सुनना ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग तो टीवी पर भी मन सर हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा काम है सवाल पूछना, ठीक है, हम कोई पार्टी नहीं है। मैंने तो सिंपल आपसे, आप इन सवालों से बच नहीं सकते सर, इस तरह के आरोप लगाकर अगर आप सोचेंगे कि आप सवालों से बच जाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। मेरा काम है सवाल करना सर, मैं बहुत ही ईमानदारी से अपने सवाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ बदले में कि ईमानदारी से आप जवाब दे दो। आप इतना हाइपर क्यों हो जाते हैं सर, इतना हाइपर क्यों हो जाते हैं, आपको सीखे ना, अरे सर राहुल गांधी से सीखे ना, हमेशा मोहब्बत की बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, आप उनसे कुछ नहीं सीख पाए, ठीक है आपका टीवी चैनल है, आप किसी को न बोलने दीजिए, आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ
भाजपा के लोगों को सुनना चाहती हैं और हमें जैसे लोगों को सुनवाना चाहती हैं। रेशु जी आपको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आपकी हिम्मत इसी तरह बढ़ती रहे के लोग इस देश को आप जैसे एंकरों से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब जब आपके बारे में बात की जाए तो आप लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, जब आपसे सिंपल सवाल किए जाते हैं तो आपको वो सवाल चुभने लगते हैं, आपको वो सवाल कांटों की तरह चुभने लगते हैं। ठीक है राजेश जी, क्या कहेंगे? एक बात क्यों सर, आधे घंटे की डिबेट है, आपको दोबारा भी मौका मिलेगा, दो गेस्ट और भी है मेरे पास, एक बात क्यों करेंगे आप, अनेक बात करिएगा। सर मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहती, मैंने तो सर आप टाइम जाया मत करिए, बाकी भी गेस्ट हैं, मैंने बहुत सिंपल सा आपसे सवाल पूछा, आप उस बात का जवाब नहीं दे पाए, आप हमारे ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। सिंपल सा सवाल पूछा था, आप सिंपल सा जवाब दे देते उसका, बात को इतना घुमाने का कोई मतलब ही नहीं है। सर प्लीज मेरे से बहस मत करिए, मेरे से बहस मत करिए प्लीज सर, मेरा निवेदन है मेरे से बहस मत करिए। ये क्या मामला है, दीपक से बोलेंगे तो तुरंत आप चौकी कर देते हैं। सर आप मेरे से सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ठीक है राजेश जी, राजेश जी क्या कहेंगे? रिशु जी इस समय विपक्ष में एक नया ट्रेंड चला हुआ, एक देहात में हमारे कहावत है कि सच कहे तो संगत नशा, अगर आप सही कहेंगे ना तो वो ब्लेम की राजनीति करने लगेंगे, ब्लेम गेम की राजनीति, क्योंकि सही बोलना ही इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जानते हैं कि जैसे ही सच आप लोग कहेंगे ना तो इनकी जो झल्लाहट है बता देती है कि आखिर उसके अंदर। भाई ये बताइए कि प्रताप सिंह बाजवा ये विधायक है ना, कांग्रेस के नेता है ना भाई, ये कोई छोटे मोटे कोई ऐसे कोई नहीं कि गली के कोई कार्यकर्ता हो या कोई चीज, ये विधायक है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 32 विधायक हमारे संपर्क में है, 18 विधायक हमारे हैं, मैं सरकार बनाने के लिए वहाँ मतलब तैयार हूँ, अगर आपको मौका मिलेगा तो मैं बना सकता हूँ। तो खरीद फरोख्त की राजनीति कौन कर रहा है, 32 विधायक इनके संपर्क में कैसे आए, ये अपना जो इनके ऊपर जो दाग अगर आप दिखाएंगे तो दूसरे पे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। अरे भाई खरीद, ठीक है रमेश जी कांग्रेस, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी, पंजाब में कांग्रेस भगवंत मान सरकार को गिराने की बात कर रही है और इसकी आलोचना भी की है पंजाब के मुख्यमंत्री ने, क्या कहेंगे आप? भाई ऐसा है, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है सर। ये बाजवा साहब वहाँ विधायक दल के नेता है, वो कह रहे हैं कि जी विधायक संपर्क में है। अरे विधानसभा में तो हर विधायक एक दूसरे से मिलते ही है, कांग्रेस को तो हम से मिलते हैं, हम कांग्रेस के लोगों से मिलते हैं, और जब हमारा आपस में गठबंधन हो गया तो एक दूसरे के साथ मिलना जुलना तो चलेगा ही। सर बड़ी अच्छी बात है, फिर आलोचना करने की जरूरत क्या क्यों पड़ गई, आलोचना क्यों की फिर भगवंत मान ने? प्लीज सुनिए जी, अब जैसे जो बाजवा साहब हैं, आप ध्यान दें कि जब दिल्ली का ऑर्डिनेंस लोकसभा में लाया जा रहा था, सर्विस वाला ऑर्डिनेंस, तब भी दिल्ली और पंजाब के राज्य नेताओं ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से कहा था कि आप इस ऑर्डिनेंस के ऊपर आम आदमी पार्टी को लोकसभा राज्यसभा में समर्थन मत दीजिए। बहुत जोरदार बैठक करके इन लोगों ने कहा था, सबने कहा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने संघवाद की अवधारणा को ऊपर रखते हुए इस पर समर्थन दिया, मतलब पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके। तो राज्य के नेताओं में ये होता रहता है कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से ऐसी बात करते हैं, बार्गेनिंग करने की, कुछ सीटें लेने की। अब उन्हें पता है कि गठबंधन होगा तो सीटें इधर उधर होंगी, कुछ सीटें उनको मिलेंगी, कुछ हमको मिलेंगी, तो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग कही जाती है। ठीक है, मुझे 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 राम प्रकाश जी से भी चर्चा करनी है, राजेश जी एक लाइन में। अरे ये बताइए कि ये बाजवा जी, प्रताप सिंह बाजवा जी विधायक दल के नेता है तो 32 विधायक ही क्यों संपर्क में है, एक बात। दूसरी बात, क्या कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है क्या, केवल ऊपर से निर्णय आते हैं, नीचे के जो कार्यकर्ता कहते हैं वो मान्य नहीं होता है क्या, और फिर बाद में लोकतंत्र की दुहाई देते हैं? तो ये तो क्लियर कर दिया ना कि भाई आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता बदल रमेश जी ने कि भाई वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, जो ऊपर जो है निर्णय लिया जाता है वही मान्य हो जाता है, नीचे के लोग कुछ भी कहते रहे। आओगे रमेश जी आपके पास? जी मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, हम पंजाब को लेकर तो यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन हम बंगाल को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि राम प्रकाश जी भी बैठे हुए हैं। राम प्रकाश जी, अधीर रंजन कह रहे हैं कि बंगाल में डेंगू ममता दीदी की देन है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये
बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि कोई भी महामारी किसी की देन नहीं होती है। तो अगर इसी तरह से कोविड आया था तो उसे बोल दिया जाए कि ये मोदी जी की देन है, ये क्या अर्थ है? ये एक राजनीतिक मुद्दा, जिस तरह से उनको कुछ बोलना था बोल दिए, इससे इंडिया जोड़ पर कोई भी गठबंधन को कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो गैर ब्लैड से करे। हाँ, एक महामारी आई हुई है जो जिसकी राज्य सरकार अपनी तरफ से लड़ रही है, उसका होगा खात्मा। ठीक है, लेकिन जब आप एक गठबंधन में होते हैं तब इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए राम प्रकाश जी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसमें दरारों के संकेत फिर दिखाई देते हैं और बाकी लोगों को मौका मिल जाता है चर्चा करने के लिए, मुद्दा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी को भी सोचना चाहिए कि वो किस तरह के जो सवाल है वो खड़े कर रहे हैं, और ये पहला मामला नहीं है जब ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने पहली बार सवाल किया हो, इससे पहले भी वो कई गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाते रहे हैं, चाहे G20 का भी मामला आप देख लीजिए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी का इस तरह का स्वभाव ही है कि वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, कि वो मीडिया में इस तरह से अपने को हमेशा दिखाना चाहते हैं कि वो कुछ बोल के राज्य सरकार। चलिए, मैं इस पर राजेश जी जवाब लूंगी कि वो मीडिया में हाईलाइट होने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पर पड़ेगा। INDIA यानी कि इंडिया, और इसी को लेकर लगातार हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। राजेश सिंह जी, ब्रेक से पहले आपने सुना ही इस दौरान राम प्रकाश पांडे जी को, जब उनसे सवाल मैंने किया कि पश्चिम बंगाल में डेंगू को लेकर ममता सरकार पर कांग्रेस हमलावर हो रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मीडिया में हाईलाइट होने के लिए अधीर रंजन चौधरी इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। क्या कहेंगे? अरे अरे रिशु जी, अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा कि ये ममता में डेगू है, और ममता जी बंगाल को किसके भरोसे छोड़ करके स्पेन की यात्रा कर रही है और बंगाली समय संकट में है, और वो कौन है? अभी रमेश जी कह रहे थे कि भाई वो तो चलिए भाजपा जी को उन्होंने छोटा नेता बता दिया हाईकमान में, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी तो हाईकमान में है ना भाई, वो तो लोकसभा में बैठते हैं ना, वो तो विपक्ष के नेता है ना, कि वो भी छोटे नेता है, उनकी भी गणना छोटे नेताओं में आती है क्या? क्या कहना चाहती? तो ये तो जग जाहिर है ना कि भाई बंगाल में कांग्रेस ममता जी के पीछे पड़ी हुई है और ममता जी कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन कर रही है कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पार्टी है और इन्होंने शराब घोटाला किया, उसके बाद इन्होंने सारे मंत्री जेल में, इनके खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। और उसके बाद पंजाब में कहते हैं कि 32 विधायक इनके संपर्क में, मैं जब चाहूँ तब सरकार बना सकता हूँ। और उधर मध्य प्रदेश में तो लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रहे हैं कि भाई हमको सीट दीजिए। अभी तो ये विधानसभा का सीटों का बंटवारा है, अभी लोकसभा आने दीजिए रितु जी, अब देखिए क्या क्या होता है आगे। अभी तो बंटवारे का कोई नाम चर्चा नहीं हो रहा, तब यह हाल है। बंटवारा आने के बाद सब पट जाएंगे, सब इंडिया गठबंधन का खंड खंड हो जाएगा। अच्छा, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। चलिए, बंटवारे के दौरान सब बट जाएंगे ये कह रहे हैं राजेश सिंह जी। रमेश श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे, और इसको इस पर तो आप प्रतिक्रिया दीजिए। इसके साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बीमारू बना देगी। जयकरण वर्मा जी। अभी देखिए राजेश जी का कहना था कि अधीर रंजन साहब ने कहने का काम किया। देखिए ऋषु जी, एक बात साफ है, देखिए कांग्रेस पार्टी में एक लोकतंत्र है और छोटे बड़े नेताओं को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। क्या जैसे माननीय ममता जी के ऊपर अगर जो उनका ध्यान कहीं नहीं है तो उनके पार्टी के लोग भी उन पर सुझाव दे सकते हैं, कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी भी हम दोनों एक साथ है तो हम भी उनको कह सकते हैं, ममता जी भी समय समय पर कांग्रेस को सलाह मशवरा दिया करती है। तो ये अलग बात है कि माननीय मोदी जी की तरह हमारे यहाँ तानाशाही बात साफ नहीं है, इसलिए हम अपनी बात अपने इंडिया में रख सकते हैं, हमारा हक भी है, हमारा संविधान भी ये कहता है हम एक दूसरे को सलाह मशवरा दे सकते हैं। दूसरा बात जो आपने कहा बीमारू प्रदेश बनाने का, तो देखिए माननीय मोदी जी की कुछ भी बात का इस देश की जनता विश्वास नहीं करती। राजेश जी के कथनानुसार मैं कह दूं
कि जब मणिपुर की घटना हुई तो माननीय मोदी जी कहां भाषण दे रहे थे, किस स्तर पर विचार विमर्श कर रहे थे, जब हमारे देश की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था तो मोदी जी कौन से ऐसे देश में जा करके चोट वोट बदल रहे थे, भाषण देने का काम करे। राजेश जी, दुनिया जानती है, देश जानता है, ये आपको टीवी पर बैठ कर कहने की जरूरत नहीं है। रही बात मध्य प्रदेश में आपके साथ सांसदों का और 3 मंत्रियों का उतारना, ये साबित करता है और आपकी डर जाहिर करता है कि मध्य प्रदेश आपके हाथ से निकल चुका है और मोदी जी का झूठ तगड़ा फूट चुका है। ठीक है, बात तो सही है राजेश सिंह जी। राजेश जी, ये बताइए कि मध्य प्रदेश में जाते हैं, भोपाल में जाते हैं प्रधानमंत्री, खूब अपनी तारीफ करते हैं अपने मुंह से और कहते हैं कि हर चीज की गारंटी मैं स्वयं हूँ। शिवराज सिंह का कहीं एक बार नाम तक नहीं, उनकी योजनाओं को एक बार वो गिनवाते नहीं। तो नहीं, देखिए ऋषु जी, हमारे पास सारे कार्यकर्ता हैं, नेता नहीं है कोई। सब अभी आपने देखा ना कि हमारे केंद्रीय मंत्री जा करके विधानसभा की चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनको मालूम भी नहीं था कि विधान, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र जिंदा है। ये पूरे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ केवल लोकतंत्र है। किसी को ये नहीं मालूम है कि हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है पार्टी का, हमारा प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाला है पार्टी का, हमारा कौन मुख्यमंत्री है, हमारा कौन केंद्रीय मंत्री है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है ऋषु जी। और जहाँ रही शिवराज सिंह चौहान साहब की बात, तो वो आपको भी मालूम है, इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री है। 2003 से जब से उन्होंने गद्दी संभाला हुआ है मुख्यमंत्री पद का मध्य प्रदेश में, एक अभी तक तो उनको टिकट तक नहीं दिया गया आप लोगों की तरफ से, अभी तक तो उनको टिकट तक नहीं दिया गया। रमेश श्रीवास्तव जी, आखिरी प्रतिक्रिया सर, समय का अभाव है। रमेश जी, रमेश जी तमाम मुद्दे हैं जिस पर भी आप प्रतिक्रिया देना चाहें। शुरुआत पंजाब से हुई थी, मध्य प्रदेश में हम पहुंच गए। एक बात मैं एश्योर कर दूं कि पंजाब की सरकार हमारी 5 साल तक चलेगी। ये जो वाजवा साहब के दावे प्रति दावे है ना, 32 हमारे, 18 उनके, मिलके 50 ही होते हैं, 117 सीटें हैं वहाँ पे। सरकार सुरक्षित है, सरकार काम कर रही है, पंजाब में शांति है, अमन है। तो दुआ करिए कि आगे आने वाले वर्षों में पंजाब बहुत प्रगति के पथ पर चलेगा, हमारी सरकार के नेतृत्व में चलेगा। ठीक है राजेश जी। देखिए ऋषु जी, जहाँ तक टिकटों का बंटवारा है, आपको भी मालूम है कि हमारा एक जो संगठन है, ये कैडर बेस्ड संगठन है, अब ये संगठन निर्णय लेना है टिकट का है। अच्छा ठीक है ना, लेकिन आप ये बताइए ना, जो लोग टिकट मांग रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको टिकट दिया नहीं गया। कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं तो मानसिक तौर पर भी इस स्थिति में नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, उसके बाद भी आपने उनको टिकट दे दिया। तो जो तैयारी में लगे हुए हैं, कम से कम उनको आपको मौका देना चाहिए था। कैलाश जी क्या कह रहे हैं, वो बड़े नेता हो गए, अब वो घर घर जाके हाथ जोड़ के वोट नहीं मांगेंगे, वो बड़े नेता हो गए। अब बताइए, मतलब जनता से इनको नफरत हो रही है, इंडिया से नफरत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।